हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम लोगों ने अभी तक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन का बेसिक पोर्शन खत्म किया कि कैसे अलग अलग फंक्शन को किस वे और क्या फिर किस मेथड से डिफरेंशिएट किया जाता है। हम लोगों ने अभी तक बेसिक वो देखा और आज जो हम लोगों का मेन जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा एप्लीकेशन का इंट्रो होने वाला है कि एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब क्या और कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज आएगा, थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पूरा एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एंड थोड़ा सा हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने बेसिक डिफरेंशिएशन में अभी तक पढ़ा क्या क्या। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब क्या, हम लोग क्या समझेंगे डिफरेंशिएशन बोलने से। मैं तो हम लोग मैंने आपको बताया था कि पूरे मैथमेटिक्स जो है वो दो चीज से बना है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। तो वेरिएबल में भी अब क्या आता है कि दो वेरिएबल आता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन का जो मेन मोटिव होता है, सपोज करिए हम एक प्रोड्यूसर है और हम क्या, मेरा मेन मोटिव क्या हो गया कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है ज्यादा से ज्यादा। तो मेरा कुछ प्रोडक्शन फंक्शन का पैटर्न होगा, कुछ इक्वेशन के तहत उस मेरा प्रोडक्शन अभी चल रहा है। तो सपोज करिए वो प्रोडक्शन है ए एक्स प्लस बी। अब क्या है, मैं क्या कोशिश किया, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो चीज है इस पूरे इक्वेशन में, ये प्रोडक्शन फंक्शन का एक तरह से हम लोग अगर सपोज करें कि ये इक्वेशन है प्रोडक्शन फंक्शन का, तो इस इक्वेशन में बेसिक दो चीज है। पहला चीज है एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। वेरिएबल क्या क्या आ गया, तो ए और बी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और एक्स और वाई क्या हो गया, तो वेरिएबल हो गया। तो एक्स और वाई जो वेरिएबल हुआ, अब इसमें भी दो वेरिएबल आता है, एक को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग जब बोलते हैं तो एज एन प्रोड्यूसर या फिर एज एन पर्सन हम लोग किसमें चेंजेस ला सकते हैं, हम लोग डिपेंडेंट जो है वो उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, बिकॉज वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स का वैल्यू अभी सपोज करते हैं 1 है, तो मेरा वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। जब x का वैल्यू 2 होता है तो y का वैल्यू क्या हो जाता है, 2a plus b। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि x में जैसे जैसे चेंज आ रहा है उसी पैटर्न में y में भी कुछ चेंजेज आ रहा है। सो जस्ट यही हम लोग डिफरेंशिएशन से पता करते हैं कि जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल में हम कुछ चेंजेस लाते हैं तो एज एन रिजल्ट मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आप एज एन इकोनॉमिस्ट थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, ये वेरिएबल में चेंजेस लाने का मेरा मेन मोटिव क्या है, इस चेंजेस को हम लोग एनालाइज करना चाहते हैं कि ये चेंजेस मेरे लिए फेवरेबल है एज एन प्रोड्यूसर या नहीं। अगर हम एक यूनिट लेवल या फिर इतना यूनिट लेवल को बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन में किस यूनिट से चेंज आ रहा है, किस यूनिट से इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या चेंजेज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन द वेरिएबल, दैट इज दैट वी यूज टू गेट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। तो हम लोग किस वे में लिखते हैं एक्चुअली वो थोड़ा सा समझिए, हम लोग ऊपर में डी बाय डी लिखते हैं, तो जिसमें हम लोग खुद से चेंजेस लाते हैं, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको नीचे लिखा जाता है, और जो ऊपर हम लोग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको देखना चाह रहे हैं एनालाइज करना चाह रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे। तो आई होप कि आपको लिखने का पैटर्न समझ में आ गया है, हमेशा सही नहीं है बोलना कि dy / dx डिफरेंशिएशन का मतलब। अगर इक्वेशन कुछ ऐसा दे दिया p बराबर aq plus b, तो आपको तुरंत दो चीज पता करना है कि मेरे को निकालना क्या है। तो अब आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे को यहाँ पर dy / dx, तब ये गलत हो जाएगा। आपको तुरंत क्वेश्चन पूछना है वेरिएबल क्या है भाई साहब। तो जैसे ही वेरिएबल पता चला p q, अब आपको एक और क्वेश्चन खुद से पूछना है क्या कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, p है, q पे डिपेंड कर रहा है, तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, चेंज को ऑब्जर्व करेंगे, और नीचे में क्या बोले थे, dp / d जो इंडिपेंडेंट है उसको।
ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन पी विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन क्यू, ठीक है। सो आई होप आपको डिफरेंशिएशन लिखना अगर पहले नहीं आता हो तो अभी आपने समझ लिया होगा। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था एंड इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब क्या। एक और जल्दी से एग्जाम्पल करते हैं, अगर सपोज करके कुछ ऐसा दिया हुआ जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो अभी मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट हो गया, जो इंडिपेंडेंट है आजाद है उसको नीचे लिखेंगे और जो दूसरे पे डिपेंड है किसी के ऊपर डिपेंड है उसको ऊपर में, उसमें हम लोग चेंजेस को देखते हैं। सो दिस इज द रिटन पैटर्न की क्या निकालना है कैसे निकालना है वो समझने के लिए, और ये कहीं पर आपको मिलेगा नहीं, ये एक कंसेप्ट है। सो आप अच्छे से इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने बेसिक इसमें क्या क्या पढ़ा था कि कैसे लिखा जाए, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कुछ स्पेशल चीज जैसे x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग n x टू द पावर n का डिफरेंस क्या होता है, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एडिशन रूल, ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। तो जब हम लोगों ने इसको पढ़ा फिर हम लोगों ने एडिशन रूल पढ़ा, फिर इसी में सब्ट्रैक्शन रूल भी आ गया था। तीसरा वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन रूल कि जब कभी ऐसा कुछ दिया रहे y बराबर x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 तो इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, एक फंक्शन को उतारा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस आप जिसका कर लिए उसको लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, तो ये मेथड था डिफरेंशिएशन करने का। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन, जहां पे डिवीजन रूल इंप्लीमेंट होता है, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि आपको बकायदा बोलना कैसे है डिफरेंशिएशन करने के दरमियान, आप क्या बोलोगे, नीचे वाला ऊपर वाला, तो कैसे होता है, क्या विधि है, तो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे में जो भी रहे x प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को हम लोग लिखते थे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस, अब यहाँ पे ऊपर वालों का लिखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया x प्लस 1 बाय x प्लस 2 तो आपको बोलना होगा dy by dx is equal to नीचे वाला क्या है, तो यहाँ पे नीचे वाला बोलना बेवकूफी है, अब आपको देखना है नीचे में x प्लस 2 है तो आपको बोलना है x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2। तो ये मेथड आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे log x दिया उसमें भी दो तीन वीडियो बना, एक सिंपल कैसे होता है, फिर प्रॉपर्टीज में दो वीडियो बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने बेसिक अभी इतना चीज हम लोगों ने कवर किया है डिफरेंशिएशन पोर्शन में, और जब तक मेरा विश्वास करिए ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक आप एप्लीकेशन पोर्शन बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। दो चीज बिल्कुल क्लियर रखिए, एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा तो ये सब नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन y equal to इतना बराबर dy by dx निकालिए, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको हमेशा क्या पूछा जाएगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब इसका जहां पे यूज होगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बट इसको समझने के लिए आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर मतलब क्लियर, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन में पर्टिकुलरली मेरे को क्या पढ़ना है, हम लोग कब समझेंगे कि हाँ मेरे एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन में ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई है। तो चलिए हम लोग कुछ चीजें देखते हैं जो एप्लीकेशन में हम लोगों को पढ़ना होगा। तो पहला जो है डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है, सबसे पहला वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए थोड़ा सा हम लोग अभी बस चीजों को समझ रहे हैं कि पढ़ना क्या है, फिर मजा आएगा। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहला चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
मांग की लोच कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में, मींस नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग बता रहे हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा जो एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कुछ न्यू टर्म्स को भी समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। क्या क्या टर्म आएगा, पाई जिसको कि क्या बोला जाता है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट दो चीजों को डिपेंड करता है, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू। तो यहां से दो नया चीज आएगा, एक आएगा मार्जिनल रेवेन्यू, एक आएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो हम दोनों समझेंगे कि कैसे मार्जिनल रेवेन्यू निकाला जाए, कैसे मार्जिनल कॉस्ट निकाला जाए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो होगा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बाद एवरेज कॉस्ट कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। अब बेसिकली इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग एक नया पोर्शन पे मूव करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग क्या पढ़ने का कोशिश करेंगे कि कोई भी फंक्शन दे दिया, कोई भी फंक्शन बोला जाएगा कि भाई साहब ये कहां पे मैक्सिमम होगा उस पॉइंट को पता करो। तो हम लोग वो निकालने का कोशिश करेंगे कि गिवन फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, वो पॉइंट प्राइस या कुछ भी जैसा फंक्शन दे उस वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा वो बताइए। तो ये है, इसमें से भी कुछ दे सकता है कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम कहाँ पे आएगा ये बताइए, मार्जिनल रेवेन्यू कब मैक्सिमम होगा, कितना क्वांटिटी सेल करने पे मार्जिनल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा वो बताइए, मार्जिनल कॉस्ट कितना मिनिमम होगा वो बताइए। तो ये हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे एंड इन सभी को पता करने में सबसे अहम रोल क्या आएगा, डिफरेंशिएशन का। इसलिए नाम क्या पड़ा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इन सारी चीजों में। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा एक और चीज बताते हैं फिर मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा एंड नेक्स्ट डे से मैं आपको एप्लीकेशन पे थोड़ा थोड़ा अंदर प्रैक्टिस करवाता चलूंगा। तो देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलने का मतलब क्या, मांग की लोच, जो मांग में परिवर्तन आता है उसको जो निकालने का विधि है वो दो विधि है, थ्रू फॉर्मूला और एक और जो विधि है वो भी फॉर्मूला ही आप बोलो लेकिन थोड़ा सा अलग विधि है। इसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट आएगा, ठीक है ना। अब थ्रू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए, ED बराबर माइनस पी बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डीपी। थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिएगा, दो बार मेरे साथ बोलिएगा, क्या है आपको क्या लिखना है, पी बाई एक्स, अब नीचे में x है तो डी एक्स बाई डीपी। आप फिर से बोलिए, पी बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डीपी। यहाँ पे माइनस क्या बताता है, वो अपोजिट रिलेशन बताता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांड। तो आप माइनस को कभी कभी इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सिर्फ नेचर बताने के लिए माइनस यूज किया गया, लेकिन फॉर्मूला क्या है, P by X into dx by dp। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, ये dx by dp क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू p। तो क्या हमारा यूज आया डिफरेंशिएशन का या नहीं, यूज आया, इसलिए क्या बोला जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या यूज आया, तो कोई x करके ऐसे दिया होगा पी स्क्वायर प्लस वन, तो वहां से मेरे को dx by dp को कैलकुलेट करना है, एंड देन वी हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला एंड वी विल गेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मेरे को ये समझना है इलास्टिसिटी का रोल आ रहा है, और आपको थोड़ा सा ये मीनिंग समझना है, dx by dp बोलने का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू p। तो यहाँ पे रोल आ गया, इसलिए हम लोग इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है ED बराबर AR पर AR माइनस MR, तो उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो जस्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहला पोर्शन जो हमारा होगा एप्लीकेशन का वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। सो नेक्स्ट वीडियो आप बहुत ही बारीकी से देखें और समझने का कोशिश करें, कोई भी समस्या आए
तो आप तुरंत उसको बताइए, समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जो भी समस्या होगा उसका कोशिश किया जाएगा कि समाधान जल्दी से जल्दी दिया जाए। लेकिन अपने लिए आप अपडेट रहो, मैथ आप छोड़ के बनाओगे मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट डे जस्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डील द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन दैट वी विल या फिर वी विल डिस्कस दैट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एंड आपको शायद पसंद आए, ना पसंद आए तो भी आप प्लीज बताएं क्यों ना पसंद आए आया। तो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, और कोई दोस्त है जो पढ़ना चाहता है तो उसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।